how are you all today we are going to start the second part of biology chapter control and coordination in the last chapter we studied about the diagrammatic representation of neuron now in this chapter today we are going to study about types of neurons there are three types of neurons they are number 1 sensory neuron receptor neuron सेंसरी न्यूरॉन को रिसेप्टर न्यूरॉन भी कहते हैं सिंपल सा याद करने के लिए रिसीव करते हैं इंपल्सिस को रिसीव करते हैं हेंस द नेम इज सजेस्टेड एज रिसेप्टर क्लियर सो सेंसरी न्यूरॉन और रिसेप्टर न्यूरॉन सेकेंड न्यूरॉन इज मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन ये इफेक्ट दिखाते हैं ऑर्गन्स के ऊपर ठीक तो हेंस दे आर नोन एज इफेक्टर न्यूरॉन एंड द थर्ड न्यूरॉन दैट इज रिलेइंग न्यूरॉन रिलेइंग न्यूरॉन मीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टर न्यूरॉन ये कनेक्ट करने का काम करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को तो स्टडी करते हैं द फर्स्ट न्यूरॉन इज सेंसरी न्यूरॉन दिस सेंसरी न्यूरॉन जिसे हम रिसेप्टर न्यूरॉन भी कहते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स दे रिसीव स्टिमुलस स्टिमुलस का मतलब समझिएगा स्टीमुलस का मतलब होता है मैसेजेस ठीक स्ट्यूमुलस सिंपल वे में कहें मैसेजेस को रिसीव करते हैं ये तो सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम डेंड्राइड्स आपको याद होगा हमने आपको जो स्ट्रक्चर समझाया था उसमें जो डेंड्राइट्स थे ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट था जिसे हमने टेल कहा था और एंड पार्ट ये था यहाँ भी कुछ डेंड्राइट्स थे एंड ये भी डेंड्राइट्स थे तो ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ये इम्पल्सेज को रिसीव करते हैं दिस इज द हेड पार्ट ये हेड पार्ट के डेंड्राइट इम्पल्सेज को रिसीव करते हैं और फिर ये टेल तक पहुंचाने का काम करते हैं तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं आई ईयर नोज एंड ऑल द सेंसेस रिसीव करते हैं इंपल्स को डेंड्राइट्स इंपल्सिस रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिट इम्पलसेज टू सी एन एस वट इज द मीनिंग ऑफ सी एन एस हर सी एन एस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन ऑर्गन्स दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड तो ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को पहुंचाने का काम करते हैं दे आर नोन एज सेंसरी न्यूरो और रिसीविंग और यू कैन से रिसेप्टर न्यूरोस नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड न्यूरोन इज मोटर न्यूरोन इफेक्टर न्यूरोन भी कहते हैं इसको इफेक्टर मीन्स दे ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सी एन एस टू मसल्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स को पहुंचाने का काम करते हैं देखिए समझिएगा हेड सॉरी ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड क्लियर हैंड हमारा है हैंड से इंपल्सिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो हैंड से रिसीव करेंगे सेंसरी न्यूरॉन इंपल्सिस को पहुंचाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ब्रेन तक पहुंचेगा पहले स्पाइनल कार्ड तक आएगा स्पाइनल कार्ड से ब्रेन जाएगा तो यह काम कौन कर रहा है सेंसरी न्यूरोन नव मोटर न्यूरोन मोटर न्यूरोन ट्रांसमिट इंपल्सिस फ्रॉम सी एन एस टू मसस ठीक अब सपोज कोई गर्म चीज आपके हाथ पे लगी तो वो हाथ से मैसेजेस लेके कौन गए सेंसरी ब्रेन को दिया ब्रेन ने डिसाइड किया हाथ हटा लेना चाहिए वो मैसेज यहां से फिर कहां आएगा हैंड की मसल्स तक और आपका हाथ काम करेगा तो क्या करते हैं इफेक्टर न्यूरॉन इफेक्ट दिखाते हैं मसल्स पे ग्लैंड पे प्रेजेंट होते हैं एंड ट्रांसमिट इंपल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो ये आपको क्लियर हुआ होगा नाउ थर्ड वन थर्ड वन इज दैट इज रिलेइंग न्यूरॉन इट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टर न्यूरॉन ठीक ये क्या काम करते हैं देखिए सेंसरी न्यूरॉन ने यहाँ से लिया मैसेज पहुंचाया मोटर ने मैसेज को पहुंचाया मसल्स तक मसल्स ने फंक्शन किया छोटे डिस्टेंसेज हाथ से लेके आपके ब्रेन तक के डिस्टेंसेज स्टमक से ऊपर तक के डिस्टेंस छोटे हैं ठीक लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन कहाँ होता है फ्रॉम लेग्स दैट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेन तक जाना फिर आना तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंसेज को कवर करने के लिए सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्टर न्यूर लग जाते हैं तो ये केवल मोटर और सेंसरी को कनेक्ट करने का काम करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशंस के लिए हैंस वी कैन से दैट रिलेग न्यूरोन इज अ कनेक्टर न्यूरोन एंड सर्व एज लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरोन ये सेंसरी मोटर के बीच में लिंक का काम करता है एंड कैरी इंपल्सिस टू लॉन्ग डिस्टेंसेज दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरोन्स देर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तैयार कीजिएगा इसको एग्जाम के लिए सो नाओ स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टडी द नर्वस सिस्टम हमने तीन तरह के न्यूरो पढ़े अब नर्वस सिस्टम तीन पार्ट में डिवाइड किया गया नर्वस सिस्टम इज ब्रोकन डाउन इंटू थ्री पार्टी कैन स्टडी इन द्री पार्ट इज नंबर वन इज सी एन एस सी एन एस इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पी एन एस दैट इज पैरिफरल नर्वस सिस्टम एंड द थर्ड वन इज ए एन एस दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और यू कैन से ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम तो तीन पार्ट में नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स पढ़े जाते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली सारी नर्व थर्ड वन इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और यू कैन से ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वॉट दिस सिस्टम इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ अवर विल ये दो सिस्टम तो हमारी विल के कंट्रोल में है ठीक हमारी इच्छाओं के कंट्रोल में है लेकिन यह सिस्टम हमारी विल के कंट्रोल में नहीं होता या हम कहें यह ऑटोमेटिक काम करता है इट वर्क्स ऑटोमेटिकली इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिएगा देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज आई दिस इज ब्रेन सपोज एंड इट इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड एक चीज यहां समझ लीजिए स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रे बैकबोन दोनों डिफरेंट चीज़ हैं बैकबोन जिसे हम कहते हैं एक्चुअली बहुत छोटी छोटी बोन्स 23, 26 बोन्स ये सब अटैच होती हैं एक दूसरे से और ये बनाती है हमारी बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम और छोटी छोटी बोन्स को कहते हैं वर्टिब्रे ये चीज़ स्पाइनल कॉर्ड नहीं है एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड क्या है इन बोन्स के बीच में होल है एक अगर बोन हम बनाए इसके बीच में होल है और इन होल्स के बीच में से पास होती हैं कुछ फाइबर्स इसके बीच में से जैसे रस्सी होती है रस्सी में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं इसी तरह से वो फाइबर्स उस बोन के बीच में से पास हो रहे हैं बोन्स मिलाकर कही जाती हैं बैकबोन बोन वर्टिब्रल कॉलम और सिंगल बोन इज नोन एज वर्टिब्रिक अब हम पढ़ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है ये फाइबर्स जो इनके बीच में से पास होते हैं तो फाइबर्स क्योंकि बहुत ही बारीक होते हैं और ये जाकर अटैच होते हैं हमारे ब्रेन से क्लियर मैसेजेस को ले जाने के लिए तो ये जो फाइबर्स हैं रस्सी के स्ट्रक्चर समझ लीजिए यही है स्पाइनल कॉर्ड और क्योंकि ये बहुत आपके हेयर से भी बहुत ज़्यादा फाइन है ये ब्रेक ना हो जाए जरा सा भी इनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट किया गया है बोन्स में एंड बोन्स आर नोन एज वर्टिब्रल वर्टिब्रेक एंड द कॉलम्स इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और सीधे सीधे बैक बोन कहते हैं तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं तो इसे बैकबोन से रिलेट मत कीजिए समझाया हमने आपको कि फाइबर्स जो हैं दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड क्लियर तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दो चीज़ें जुड़ी होती हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ठीक है ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है और दिस इज स्पाइनल कॉर्ड तो ये दो चीज पढ़ी जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है ब्रेन से कुछ नर्व्स एराइज करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी एराइज करती हैं ठीक और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी नर्व्स ये अपने लिए एक अलग सिस्टम बनाती हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड अब ब्रेन से जो नर्व्स निकली और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल के आपके पूरे बॉडी में फैल जाती हैं हाथों में पैरों में ये अपने लिए एक अलग सिस्टम बनाती हैं उसे कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सी एन एस फॉर्म्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो इन्होंने अपने लिए एक अलग सिस्टम बनाया दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है वो इन दो चीज़ों के कंट्रोल में नहीं रहता हमारी विल के कंट्रोल में फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हम इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन ठीक ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ब्लड प्रेशर एंड सो ऑन दीज आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एनी वे ये हम डिटेल में ज्यादा आगे पढ़ेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनमस नर्वस सिस्टम तीन पार्ट में नर्वस सिस्टम को ब्रेक करके पढ़ा जाएगा आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा जाता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑल द नर्व्स राइजिंग फ्रॉम सीएनएस एंड पीएनएस सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें आपको बताया दो चीजें होती हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हमें ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड पढ़नी है थोड़ा डिटेल में ब्रेन जो होता है सपोज दिस इज अ ब्रेन ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया और ये इंटरनल पार्ट अंदर है बाहर आउटर पार्ट है क्लियर तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जो भी ऑर्गन हम पढ़ेंगे उस ऑर्गन के दो हिस्से होते हैं ये हमने पहले भी आपको बताया था यहाँ समझ लीजिएगा कोई ऑर्गन पढ़ा हमने तो उस ऑर्गन के दो पार्ट होंगे एक तो अंदर का हिस्सा इंटरनल पार्ट और एक ये वाला सारा एक्सटर्नल पार्ट जो इंटरनल पार्ट होता है इसको कहा जाता है हमेशा कॉर्टेक्स और सॉरी द इंटरनल पार्ट इज़ नोन एज मेड्यूला एम ई डी यू डबल एल ए और जो बाहर का हिस्सा होता है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स ठीक ब्रेन हो या कोई भी हो किडनी है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको याद होगा हमने पढ़ाया गया था रीनल मेड्यूला रीनल कॉर्टेक्स तो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कॉर्टेक्स मीनस आउटर पार्ट एंड इंटरनल पार्ट इज नोन एज मेड्यूला इसी तरह ब्रेन के भी दो हिस्से होते हैं हम कहते हैं दिस वन इज द आउटर पार्ट बाहर का हिस्सा तो हम इसे क्या कह सकते हैं ये जो आउटर पार्ट है इसे हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स एंड द इंटरनल पार्ट यहां वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं मेड्यूला तो ब्रेन के भी दो पार्ट हो गए क्लियर अब ब्रेन जो है इसके जब हमने कॉर्टेक्स मेड्यूला कहा तो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में ग्रे मैटर होता है और मेड्यूला वाले हिस्से में व्हाइट मैटर होता है अब ग्रे एंड व्हाइट मैटर क्या होता है ग्रे मैटर मीन्स हमने आपको क्या पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में अगेन रिमेंबर कीजिएगा हमने आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था अब ये सेंटर वाला पार्ट ये वाला सारा हिस्सा क्या कहलाया गया था हेड पार्ट क्लियर और पीछे का टेल पार्ट टेल पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट था माइलिन शीथ लिपिड की बनी होती है लिपिड माने चर्बी और चर्बी कैसी होती है सफेद व्हाइट क्लियर तो हेड वाला हिस्सा किसमें होता है कॉर्टेक्स में ठीक हेड का हिस्सा कॉर्टेक्स में पाया जाता है क्योंकि ये न्यूरो हमने आपको बताया था बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन ब्रेन किस चीज़ का बना है स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ की बनी है न्यूरॉन की तो न्यूरॉन होंगे यहां पे और जब न्यूरॉन है तो उनका सिर वाला हिस्सा यहां हम आपको रेड कलर से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं इनका हेड वाला पार्ट कहां मौजूद होगा कॉर्टेक्स में और ये टेल वाला पार्ट कहां मौजूद होगा मेड्यूला में क्लियर इंपल्स को ये रिसीव करेगा पीछे पहुंचाएगा फिर नीचे जाएंगे ये तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता तो हेड क्योंकि बाहर की तरफ है तो यहां निसल बॉडीज मौजूद होती हैं और इसी वजह से डेंस स्ट्रक्चर इसका कलर डेंस हो जाता है तो ये ग्रे मैटर बनाता है डार्क हिस्सा ग्रे मैटर और क्योंकि टेल पीछे चली गई और टेल पे क्या मौजूद होता है माइलिनशीत और माइलिन शीत लिपिड की लेयर है चर्बी है फैट है वाइट कलर की होती है तो ये पीछे का हिस्सा वाइट मैटर होता है क्लियर तो ये इस तरह से ब्रेन के अंदर ग्रे एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है अब बात करते हैं स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड की अब में हमने आपको सीधा बताया था बीच में होल होता है इसी में से पास होके जा रही है तो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड जो यहां से जाएगी क्लियर तो अब यहाँ वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है ग्रे मैटर जो है वो अंदर की तरफ और वाइट मैटर बाहर की तरफ कैसे यहां पर लगे होते हैं ये हेड वाला पार्ट और सबसे बाहर की तरफ आ जाएगा टेल तो अंदर का हिस्सा जो है वो कैसा हो जाएगा ग्रे और बाहर वाला हिस्सा क्योंकि ये बाहर आ रहा है ये कैसा हो जाएगा वाइट मैटर क्लियर इसे और अच्छे से आप समझ सकते हैं किस तरह से देखिए ब्रेन और ब्रेन से क्या जुड़ी स्पाइनल कॉर्ड क्लियर अब अगर ये इस तरह से जुड़ी है तो सीधी सी बात है यहां से इम्पलसेज रिसीव करके पीछे की तरफ ये टेल पहुँचा देगी तो मैसेज कहाँ से जाते हैं हेड से टेल की तरफ तो मैसेज इधर आएंगे इसी तरह से ये मैसेज यहाँ तक आ जाएंगे अब यहाँ क्या होगा इस तरह से लगा होना चाहिए तभी तो ये हेड वाला हिस्सा रिसीव करता है इंपल्स को ये मैसेज यहां से रिसीव करेंगे फिर पहुंचा दिए जाएंगे आगे टेल तक तो इसीलिए क्या होगा बाहर क्या है ये वाला हिस्सा तो आउटर पार्ट कैसा हो गया ग्रे मैटर पीछे का हिस्सा ब्रेन में कैसा हो गया वाइट मैटर क्लियर यहाँ पे आगे का हिस्सा कैसा हो गया अंदर की तरफ का यहाँ का हिस्सा हेड है तो, तो दैट इज ग्रे मैटर और पीछे का हिस्सा कैसा हो गया व्हाइट मैटर तो यहां पर ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर आपको हमने क्लियर कराया क्लियर तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो आपको अप टू टेंथ लेवल पढ़ना है नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सराउंडेड बाई थ्री लेयर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की तीन लेयर्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं द थ्री लेयर्स आर सबसे बाहर की लेयर आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर ये सबसे बाहर की लेयर होती है आउटर लेयर होती है ड्यूरा मैटर आर्कनाइज मैटर ये इंटरमीडिएट पार्ट होता है या लेयर होती है एंड पाया मीटर पाया मैटर इज इंटरनल, सबसे अंदर की तो सबसे बाहर का ड्यूरा मैटर सेकेंड वन आर्कनॉइड मैटर एंड दिस वन इज पाया मैटर आर्क सॉरी ड्यूरा मैटर आर्कनॉइड पाया तीन लेयर्स से मिलकर बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्लियर अब थर्ड पार्ट दैट इज सेब्रो स्पाइनल फ्लूड यह बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड नेक्स्ट टॉपिक नाउ नेक्स्ट वन इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड देखिए ब्रेन ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है दैट इज रिजेंबल टू यू कैन से अखरोट के जैसी है ठीक है आपने अखरोट देखा है ठीक बिल्कुल साबुत अखरोट तो आउटर मोस्ट पार्ट को अगर ब्रेक किया जाए तो उसके अंदर से अखरोट के दो हिस्से होते हैं बीच में जुड़े होते हैं ठीक है ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर दो हैमोस्फियर हैं जो बीच में इसी तरह से जुड़े हैं 98% एट रिजम्बलेंस ब्रेन की अखरोट जैसी है अखरोट को अगर आप कवर हटा दें तो उसके अंदर आपको गहरा हिस्सा दिखता है ठीक है इस तरह का तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है किस चीज़ का ब्रेन का हमारे तो ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड क्या होता है ब्रेन अखरोट जब आपने देखा तो अखरोट के अंदर वो जो गहरा हिस्सा धंसा हुआ होता है खाली होता है ठीक तो इसी तरह से ब्रेन के अंदर हमारे कर्व्स हैं ठीक है जैसे अखरोट में होते हैं सुल्का एंड ग्री कहते हैं अभी हम आगे पढ़ाएंगे अब इनके बीच में जो खाली जगह है ठीक उसके बीच में एक फ्लूड भरा होता है लिक्विड भरा होता है दैट फ्लूइड इज नोन एज स्पाइनल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इज द फ्लूइड फिल्ड इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक इसका फंक्शन क्या होता है यह हमारे ब्रेन के इंटरनल टेम्परेचर uh, को एज वेल एज कॉन्स्टेंट प्रेशर को कॉन्स्टेंट या मेनटेन रखने का काम करता है ठीक है यह न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई उसमें हेल्प करता है पहुंचाने के लिए यह फंक्शन होता है स्पाइनल फ्लूड का तो इसे आप जरूर तैयार कीजिए सो स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द फर्स्ट फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिट्वीन द नर्वस टिशू एंड द बॉडी टिशू और यू कैन से ब्लड सेकेंड पॉइंट इज इट प्रिवेंट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम मकैनिकल शॉक्स एंड जर्क्स या आपके ब्रेन में या झटका वगैरह लगता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है इट हेल्प्स इन मेन्टेनिंग अंस्टेंट प्रेशर इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट

ये जितना भी पार्ट है इसको हैंड टू हैंड याद करते चलिए सो कीप स्टेग एट होम बी सेफ थैंक यू